पीछे सामान देख रहे हैं तो सब कुछ पैक हो चुका है और मैं यहाँ सामान के पास बैठ गई हूँ। पंखा वगैरह बंद किया हुआ है जो है, विंडो के पास मैं बैठ गई हूँ। बहुत अच्छी सनलाइट आ रही थी, दिल नहीं कर रहा था कि मैं लाइट ऑन करूँ। लोग काफी टाइम से कह रहे थे कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे रेगुलर, मैं कहाँ बिजी हूँ, तो मैं यहीं बिजी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब कुछ पैक हो चुका है। ये स्टूडियो छोड़ के, ये जगह छोड़ के मैं जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, क्यों अपना स्टूडियो छोड़ रही हूँ, ये शहर छोड़ के मैं जा रही हूँ, कहाँ जाऊंगी, किसके साथ रहूंगी, हर चीज आपको आगे मेरे ब्लॉग्स में पता चलती रहेगी। इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ देखते रहेंगे। अच्छा यहाँ पे ये मैंने दराज वगैरह सारे खाली कर लिए। ये अब मुझे नहीं पता कि पहले ये वाला ब्लॉग अपलोड होगा, वो वाला ब्लॉग अपलोड होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो काफ़ी चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं। थोड़ी बहुत मिट्टी है, वहीं जाके डीप क्लीन होगी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा मेकअप पैक कर दिया, कुछ पीआरस हैं इसमें ज़्यादातर, कुछ मेकअप यहाँ पे मेरा पैक हो चुका है, कुछ यहाँ पे पैक हो चुका है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बस बिस्तर वगैरह पड़े, कुछ चीज़ें यहाँ पैक हो चुकी हैं और कुछ बॉक्सेस यहाँ हैं। काफ़ी पैकिंग हो गई है, थोड़ी सी रह गई है। दुआ कीजिएगा कि खैरियत से पहुँच जाए, चीज़ें टूटे फूटे ना, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कोई और दुख बर्दाश्त या कोई और तकलीफ या नुकसान बर्दाश्त करने की। आगे मैं अपने ठिकाने पे, यहाँ पे मैं विंडो के पास बैठ गई हूँ और पंखा मैंने बंद किया, तो थोड़ी बहुत यहाँ से हवा तो क्या ही आ रही है, आज बहुत गर्मी है पिंडी में। सामान सारा ऑलमोस्ट पैक हो गया, बस थोड़ा बहुत पैकिंग रहती है। पैकिंग करने के बाद मेरे भाई वगैरह आएंगे, सब आएंगे, तो बस वो रस्सियाँ वगैरह जो बांधनी, क्योंकि उठाते हैं ना, तो जब उठा के डब्बा रखते हैं ना, तो सारी चीज़ें बाहर आ जाती है। अपनी सिस्टर के साथ रहती थी तो वो भी अपनी पैकिंग कर रही है, वो लोग भी जा रहे हैं। तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में सब कुछ पता चल जाएगा, कौन कहाँ जा रहा है, मैं कौन से शहर जा रही हूँ। ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, उनकी कब्र भी बिल्कुल मेरे घर के पास है। मतलब मेरी अम्मी का घर, मेरी सिस्टर का घर, जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये बिल्कुल पास पास हैं। और पास ही कब्रिस्तान है जहाँ पे मेरे जावेद होते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं शेयर करना चाह रही थी कि होता था ना कि मैं जाती थी, जैसे कि मैंने वीडियोस में भी दिखाया, वो रास्ता है जहाँ पे कब्रिस्तान है ना, वो रास्ता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा गुजर होता है। होता था कि मैं उन्हें जब भी मिस करती थी ना, गुजर तो बहुत ज़्यादा होता था, बार बार वहाँ से गुजर होता है किसी ना किसी काम के सिलसिले में, लेकिन जब भी मैं वहाँ से गुजरती थी और जब भी मैं कोशिश करती थी कि मैं अंदर जाऊँ, वो गेट लगा हुआ है कब्रिस्तान के बाहर, तो मैं गेट तक जाती थी और वहाँ से अंदर मेरे कदम नहीं जाते, क्योंकि गेट से ही ना जावेद की कब्र नजर आती है, मतलब मेरे हस्बैंड की कब्र। और बस मैं कब्र देखती थी और वहीं मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती थी। और बहुत टाइम हो गया कि मैं नहीं जा सकी, लेकिन अब फाइनली वक्त आ गया कि मैं उनसे आखिरी बार मिलूं। आप लोग सोच नहीं सकते कि इतनी तकलीफ होती है। मैं अपने अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करती हूँ, जब रात को सब सो रहे होते हैं, तहज्जुद का वक्त होता है, नमाज का, मैं उठती हूँ और उस वक्त मैं अपने अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला ये तकलीफ आप जान सकते हैं कैसी है, मैं ये दुआ करती हूँ कि आप किसी बंदी को ये तकलीफ ना देना, ये बहुत शदीद है, ये अल्फाज में कभी बयान नहीं हो सकती। और ये आपके अंदर हमेशा रहती है, एक जो अच्छा इंसान होता है ना, अच्छा साथी, अच्छा दोस्त, जो आपका सब कुछ हो, वो सिर्फ मेरे शौहर नहीं थे, मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरे अच्छे साथी थे। ऐसा नहीं कि मैं उनके जिंदा होते कदर नहीं करती थी, मैंने उन्हें एक लम्हा अकेले कभी नहीं छोड़ा। जो लोग मुझे और जावेद को जानते हैं, वो जानते हैं इस चीज को कि मैंने एक लम्हा एक सेकेंड भी कभी उस इंसान को अकेले नहीं छोड़ा। ये नहीं सोचा, ये नहीं किया कि हम नाराज हैं या हमारी लड़ाई होगी तो मैं अपने मैके चली जाती हूँ। लड़कियाँ चली जाती हैं अपने मैके, कोई मसला होता है तो वो अपने पेरेंट्स के चली जाती हैं, कोई इशू होता है उनकी फैमिली में, ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि उनकी उनकी जो लेडीज़ होती हैं, तो थोड़ी सी बात होती है वो अपनी मदर की तरफ चली जाती हैं, बहुत बहुत टाइम रहती हैं। यहाँ पे किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा होता है, उन्हें ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र ये था कि मैं एक सेकेंड भी
नहीं छोड़ती थी जब इनको, जितनी भी हमारे बीच लड़ाई हो जाती थी लोगों की वजह से, कुछ लोग थे जिनकी वजह से 10 साल हमारे बीच आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, बैठ के मैं वही नाराज हो जाती थी, 2 दिन बात नहीं करती थी, 1 दिन चुप हो जाती थी, रोती थी, फिर मैं कहती थी कि आप मुझे मना नहीं रहे, मैं इतना रो रही हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मैं आपको छोड़ के भी नहीं जाती, लेकिन मैं नहीं जाती थी, ना मैं किसी को कॉल करती थी अच्छे से, सब ये चीज जो लोग वीडियो छुप छुप के भी मेरी देखते हैं सब अच्छे से ये चीजें जानते हैं, सब समझते हैं, और अल्लाह गवाह है इस चीज के, मेरे हस्बैंड गवाह थे और लोग भी सब गवाह हैं, बेशक वो माने ना माने, वो बोले ना बोले, अपने हस्बैंड को एक लम्हा भी ना छोड़ती हो, उसके बगैर ना रहती हो, फिर जिंदगी में अचानक एक ऐसा वक्त आए कि अल्लाह ताला उसको आपसे ले ले, वो चला जाए, बहुत बहुत मुश्किल होता है। जब से मुझे पता चला कि मुझे ये शहर छोड़ के जाना है, जब से मुझे पता चल चुका, कंफर्म हो गया जिस दिन कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने शौहर को छोड़ के जाना है, एक बार वो गए और अब मुझे जाना, इतनी दूरी आ चुकी थी और अब मजीद दूरियां आएंगी, वही मैं कभी कभी जाती थी कब्र पे, या फील करती थी कि वो मेरे पास हैं, जाना बहुत कम होता था कब्र पे, और आज आखिरी बार जाऊंगी मैं उनसे मिलने, पता है अब हिम्मत भी नहीं है मुझे, हंसते हुए चुलबुले शरारती बहुत प्यारा साथी ऐसे इंसान को जो मैं मरूं मट्टी तले दबा हुआ देखती हूँ ना, बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा, मैं इसीलिए गेट तक जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ, गेट तक जाती हूँ, फाइनली मैं हिम्मत करूंगी, मैं जाऊंगी, बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, फिर क्या पता किस्मत कहाँ ले जाए, क्या हो मेरे साथ, बस मैं अबाया पहनूंगी, अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती हूँ कि जो तकलीफ मैंने देखी और मजीद आगे देखने जा रही हूँ तो साथ जाएंगी मेरी फैमिली, मेरा और उनका ख्वाब था कि हम बहुत जल्दी हम दोनों कैमरे के सामने इकट्ठे आएंगे, और हमने दिसंबर के बाद ये सोचा भी था कि वो सिंध से वापस आ जाए, नवंबर में वो सिंध चले गए थे क्योंकि उनका काम ऐसा था, और जब वो सिंध से वापस आए तो वक्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी, तो खैर अब मैं अबाया वगैरह पहनूंगी और Thank you.